हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वेश्चन 3, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। जो सेंटेंस ट्रू है उसके सामने हम लिखेंगे ट्रू और जो सेंटेंस फॉल्स है उसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट, विंड वॉन इन द एंड। इसमें कहा है विंड वॉन यानी कि हवा जीत गई थी लेसन के एंड में। क्या ये सही है, हवा जीत गई थी लेसन के एंड में? नो, क्योंकि हवा जितनी भी तेज चल रही थी, मैन जो था वो कोट को टाइटली होल्ड करके रखता था और जब सन की गर्मी आई तब उसने कोट निकाला, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। सेकंड, सन शाइन्स हार्ड यानी कि सन जो है वो बहुत ही तेज शाइन, सन जो है वो बहुत ही तेज शाइन कर रहा था, चमक रहा था। सन का चमकना यानी कि ज्यादा से ज्यादा धूप देना। तो क्या ये सही है? यस, तो हम लिखेंगे ट्रू। मैन होल्ड हिज कोट टाइटली। मैन ने अपने कोट को टाइटली होल्ड करके रखा था। ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, ये सही बात है, मैन ने अपने कोट को टाइटली पकड़ के रखा था। राइट, हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा? फर्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, चलो मैं तुमको पहले ट्राई करने के लिए देता हूं, पहले तुम ट्राई करो, ऐसा किसने कहा था? सन ने, सन ने कहा था ना ऐसा, लेट यू ट्राई फर्स्ट, चलो तुम पहले ट्राई करो। हाउ कोल्ड इट इज, ऐसा किसने कहा था? अ मैन, है ना। आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ऐसा किसने कहा था? सन, कहा था ना। आई गिव अप, मैं अब छोड़ दे रहा हूं। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं अब छोड़ रहा हूं, मैं अब उसका कोट नहीं उतरवा सकता, ऐसा किसने कहा था? विंड ने। फाइव, I can get his coat off more quickly than you can. I can get his coat off more quickly than you can. तुम उसका कोट निकलवाओ उससे जल्दी जल्दी यानी कि quickly, उससे quickly मैं उसका कोट उतरवा लूंगा, ऐसा किसने कहा था? विंड ने। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर इन वन सेंटेंस। पहला है हु वॉन इन द एंड, लेसन के एंड में कौन जीता, तो इधर आएगा द सन वॉन इन द एंड, लेसन के एंड में सन जीता। हु वॉज ब्लोइंग हार्ड, कौन एकदम तेज हवा फूंक रहा था, हु वॉज ब्लोइंग हार्ड, है ना, कौन हवा ज्यादा फूंक रहा था, तो विंड, इधर हम लिखेंगे विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड। इधर हमने क्या किया, हु के बदले हमने सिर्फ क्या लिखा है, द सन, फिर पूरा क्वेश्चन में से देख देख के, इधर भी हमने हु के बदले क्या लिखा है, विंड, फिर पूरा क्वेश्चन में से देख देख के, हु यानी कि कौन। ओके, तो आज हम इतना करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।